नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी अंसारी और कैच ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में वृद्धा पेंशन का केवाईसी करेंगे। तो देखिए, केवाईसी करना बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कई बार तो आपका सर्वर डाउन रहता है, कई बार डेटा मिसमैच हो जाता है, और तो और कई बार ब्राउजर का इशू होने लगता है, तो कभी जो डिवाइस है वो डिवाइस भी काम नहीं करता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे और हम जानेंगे केवाईसी करने का प्रॉपर तरीका क्या है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहे, स्किप ना करें, हर एक डिटेल में बारीकी से बताने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो आप यहाँ पे वार्निंग देख सकते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिनका भी बैंक अकाउंट ऑलरेडी सीड नहीं है, वो सीधा अपने बैंक अकाउंट, यानी कि जो भी कंपनी का आपका बैंक है, जैसे SBI या फिर बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक है, आप बैंक में जा कर के विजिट करिए, संपर्क करिए और उनको बोलिए कि आपका ये सीड कर दे, एक्टिव कर दे। ठीक है, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि आपका जो डेमोग्राफिक डिटेल है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी डिटेल आपने यहाँ पे इंटर करवा रखे हैं ई लाभार्थी पोर्टल में, यदि आपका 50% से ज़्यादा रॉन्ग पाया गया तो ऐसे केस में भी आपका पेमेंट को होल्ड कर दिया जा सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, आपका जो नज़दीकी ब्लॉक है वहाँ जाके बात करिए और आपका जो ये प्रॉब्लम है, जो मिसमैच हो रहा है डेटा, उसे आप ठीक करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑनलाइन से आप इसे ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ से KYC कर सकते हैं। तो KYC करने के लिए सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे और इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे की ओर देख सकते हैं CSC लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। इस बात को आप ध्यान रखें कि यदि आप CSC वी लिए हैं तभी जा कर के आप EKYC कर सकते हैं, यदि आप नहीं हैं तो आपको गूगल में जाके सर्च करना है CSC कॉमन सेंटर और वहां से आप कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका जो CSC आईडी है और पासवर्ड और नीचे में जो कैप्चा कोड देख पा रहे हैं उसे यहां पे इंटर करके और लॉगिन में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो यहां पे आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक फॉर ई लाभार्थी पेंशन, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी डिटेल सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, या तो आप अकाउंट नंबर से सर्च करिए आधार नंबर, या फिर बेनिफिशियरी आईडी। मेरे केस में मेरे पास आधार नंबर है तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ और उसके बाद सर्च में क्लिक करते ही डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्ड नंबर, जो भी वार्ड नंबर से आप बिलोंग करते हैं सिलेक्शन करेंगे और फाइनली यहाँ पे जो देख पा रहे हैं डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, इसमें आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे डेमोग्राफिक डेटा ऑथेंटिकेशन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इसमें हमें क्लिक कर लेना है। हमें हमारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो डिवाइस अटैच है कंप्यूटर के साथ में वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो मैं इसी ब्राउजर इशू के बारे में बात कर रहा था। तो अभी क्या करना है, अभी आपके पास जो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है उससे आपको ऑथेंटिकेशन करना है, या फिर स्टार्टिंग में ही अच्छा रहेगा जब भी आप KYC करें तो गूगल क्रोम से ना करें, आपको करना है मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर से ही एप्लीकेशन करना है KYC के लिए। तो सिंपली अपना ब्राउजर लॉन्च करेंगे फायरफॉक्स के बाद सेम एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो इस सेक्शन के बाद हमें देखिए डिटेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ आपका मोर्फो RD सर्विस। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो टिक रहेगा उसमें टिक रहने देंगे, आपको इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑथेंटिकेट नाउ, इसमें क्लिक करेंगे, जैसे आपका ऑथेंटिकेट हो जाता है यहाँ पे कैप्चर डन लिखा हुआ है। इसके बाद जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ में अटैच है उसमें रेड लाइट ब्लिंकिंग होगा, उस समय आपको थंब रखना है प्रॉपर तरीके से। अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है बायोमेट्रिक तो मैसेज में देख पाएंगे सक्सेसफुल, इन केस अगर आपका नहीं होता है तो आपको फिर से रीइनिशिएट करना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए। ऑथेंटिकेशन के बाद हमें पेमेंट करना है, यानी कि KYC को कंप्लीट करने के लिए हमें हमारा CSC वॉलेट से छोटा सा अमाउंट, जो कि 5 रुपीज़ का फीस एप्लीकेबल है, जो यहाँ पे पेमेंट करना है। तो जो भी पेंशनर है उनका यहाँ पे आधार नंबर आप देख सकते हैं, साथ ही में आपका CSC आईडी इधर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे जो देख सकते हैं पे फी, यहाँ पे आपको क्लिक कर लें। हमारे डिटेल फिर से हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा, डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेटेड यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो डिटेल कंफर्म करेंगे और सिंपली यहाँ पे गो फॉर
पेमेंट, इसमें आपको चले जाना है, क्लिक कर लें। इसके बाद CSC पेमेंट गेटवे जो है वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे हमारा CSC आईडी और बाकी का जो डिटेल है जैसे पासवर्ड वगैरह वो इंटर करके यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें क्लिक करके और वैलिडेट कर लेना, ठीक है। पेमेंट डन होते ही पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, बैक और रिफ्रेश ब्राउज़र को ऐसे ही रख देना है एज इट इज़। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यानपूर्वक से गलती से भी आपको कैंसिल नहीं करना है, कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पे आपको इसके बाद सक्सेसफुल का और आपका जो ट्रांजेक्शन रिसीव कॉपी है ये यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का काम खत्म हो चुका है और KYC बिल्कुल सही तरीके से सक्सेसफुल भी हो चुका है, ठीक है। हर साल आपको KYC करवाना है, इसका कोई एग्जैक्ट डेट कुछ कुछ केसेस में नहीं होता है। जैसे मान के चलिए अभी मार्च महीने में आपने करवे हैं, कर चुके हैं इस कस्टमर के लिए, तो फिर से आपको मार्च में ही करवाना है। तो इस तरह से आपका जो आज ये KYC डन हो चुका है ये इसका वैलिड रहेगा एक साल के लिए, ठीक है। तो आशा करूंगा आपके सारे डॉट्स क्लियर हो चुके हैं। इस बीच अभी भी आपका अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8981236673, इस नंबर पे आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने का, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।